जी न्यूज इंडिया आप सभी देशवासियों से अपील करता है, समय समय पर अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें, चेहरे पर मास्क अवश्य लगाएं और संभवतः घरों से बाहर ना निकले, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। आप सुरक्षित, देश सुरक्षित। प्रत्याशी को परिणाम घोषित कर दिया गया है। इस मामले को लेकर बीडीसी प्रत्याशियों में आक्रोश व्याप्त है। शिव का कहना है कि श्री पंकज चतुर्वेदी के द्वारा बिना हमारी संतुष्टि के ही अनियमित तौर से चुनाव परिणाम घोषित कर दिया गया है, जबकि बूथ संख्या 40-42 की मतगणना नहीं हुई है। वार्ड संख्या 4 और 8 तथा बूथ संख्या 42 के बैलेट पेपर पर भी 3 संख्या है। विदेशी प्रत्याशियों का कहना है कि चुनाव अधिकारी द्वारा मिली भगत से इस तरह भ्रष्टाचार किया गया है और बताया कि न्याय नहीं मिला तो धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल पर बैठेंगे। जिलाधिकारी अदिति सिंह को पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। मेरा नाम सत्यधन कुमार प्रसाद है, मैं छाता का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी का नाम श्री राम जी प्रसाद है। हम दुबहड़ ब्लॉक से लड़े हैं। मैं संदीप कुमार, पिता श्री शिव कुमार पासवान, मैं बीडीसी पद प्रत्याशी हूँ। ग्राम पोस्ट छाता पड़ेगा। कौन सा ब्लॉक पड़ेगा? दुबहड़ ब्लॉक पड़ेगा। तो ये तो क्या हुआ, जिसमें ये हुआ मेरे साथ घटना की सर, केवल एक ही पेटी का गिनती हुआ जिसमें 61 पोलिंग हुआ था। मेरा कुल पोलिंग 900 पोलिंग हुआ था, जिसमें 161 पोलिंग कर गिनती कर कर जीत घोषित कर दिया गया। मैं नाच करता रहा, चिचलाता रहा, लेकिन कोई मेरा बात सुना नहीं। फिर मैं आया जिला अधिकारी के पास, वहाँ कंप्लेन किया, आरओ साहब के कंप्लेन किया, बहुत सारा कंप्लेन किया, लेकिन कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुआ। मेरा पेटी कोई गिना गया नहीं है, जिसमें केवल 40-42 नहीं गिना गया है, एक पेटी 41 गिना गया है, जिसका वार्ड नंबर 6-7 पड़ता है। 9-10-11 नहीं गिना गया है और 8 नहीं गिना गया है जी। तो बिना गिनती घोषणा कर दिया गया। जी सर। तो आपने आरओ से बात किया? आपने जी सर आरओ से बात किया, आरओ साहब बोल रहे हैं कि जाइए कचहरी देखिए, वहाँ से कोर्ट जाइए। या तो आप डीएम कार्यालय पर पाए, डीएम साहब की मुलाकात हुई? डीएम साहब के पास आए, मुलाकात नहीं हुआ, लेकिन एप्लीकेशन डालकर चले गए। कोई कार्रवाई? कार्रवाई अभी कुछ नहीं हुआ। आप आज क्यों आए हैं? आप लोग आज इसलिए आए हैं कि मेरा कोई सहयोग मिले, एप्लीकेशन सूची के लिए आए हैं। सूची भी नहीं। आप क्या चाहते हैं, आपके क्या मांगे हैं? मांग ये है कि रिकाउंटिंग हो जाए और मेरा सूची मिल जाए, मैं संतुष्ट हूँ। क्योंकि जिस वार्ड में मेरा घर पड़ता है, अगर मैं प्रत्याशी हूँ, मेरा ही अगर गणना नहीं हुआ तो बहुत कष्ट होता है ना सर। पाठी जी जो सतीश चंद महाविद्यालय के काउंटिंग के प्रभारी थे, उनसे हम लोग उसी रात से संपर्क में लगे रहे कि सर बताइए बात क्या है, मामला क्या है। उस दिन कहते रह गए कि नहीं इस पर कार्रवाई होगी। 12 बजे दिन तक भी बोले कि कार्रवाई हो जाएगी, आप लोग को न्याय मिलेगा, गिनती होगी, लेकिन सर्टिफिकेट प्रदान करते रह गए, हम लोग देखते रह गए। फिर कलेक्टर साहब से आके मिले, वहाँ भी बात नहीं बन पाई, कलेक्टर साहब मिली नहीं, लेकिन मोबाइल से बात हुआ, बोले कि चले जाइए। ऐसे हम लोग को घुमाते रहे, आज तक मोबाइल से उनसे बात नहीं हो पा रही है। लाख घर से लेके उनको दौड़ने तक कहीं मिल नहीं रहे, नहीं बात कर रहे। जो सूची आप क्या मांग रहे थे? सूची मांग रहे थे कि कितना हमको वोट मिला, क्या तो दिए? वो नहीं दिए हैं, आज तक नहीं दिए। ब्लॉक भी दौड़ते रह गए उनके, तो ब्लॉक बोल रहे हैं कि आरओ साहब के यहाँ से नहीं आया, आरओ साहब बोले कि ब्लॉक भेज दिए हैं, कोई बोल रहा है चुनाव कार्यालय चले जाइए, सूची नहीं मुहैया है। तो कितने दिन से लगातार दौड़ रहे हैं? एक हफ्ता हो गया सर, 3 तारीख से कंटिन्यू हम संपर्क में है, जिला अधिकारी से लेकर और चुनाव निर्वाचन आयोग से लेकर, ब्लॉक से लेकर पंकज त्रिपाठी तक, तो कोई कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग न्याय चाहते हैं सर, हमारे बक्सा की गिनती हो जाए, रिकाउंटिंग हो जाए, वोट हो जाए।